नमस्कार, इन्फोवर्स टुडे में आपका स्वागत है। क्या आपने प्रकाश की गति के बारे में कभी सोचा है? खैर, आप प्रकाश की गति से यात्रा करने में सक्षम होने की कल्पना करें। इस बारे में सोचिए कि आप सिर्फ एक सेकंड में 300,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, आपको पृथ्वी के चक्कर 7.5 बार घूमने में बस एक ही सेकंड लगेंगे। ये इनफाइनाइट अवसरों को बनाने के लिए एक भयानक बर्बादी की तरह लगता है, तो फिर अंतरिक्ष की यात्रा क्यों नहीं? लेकिन पहले आइए जानें कि प्रकाश की गति कितनी तेज है। यकीन मानिए, बहुत ही तेज है। ये वो गति है जिस पर प्रकाश एक पूर्ण निर्वात में यात्रा करता है, और ये 1 बिलियन किलोमीटर प्रति घंटा है। ये सूर्य से पृथ्वी तक यात्रा करने के लिए लगभग 8 मिनट और 17 सेकंड सूरज की रोशनी लेता है। तो फिर हम इंसान प्रकाश की गति से अंतरिक्ष की खोज क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल ही सही है कि संक्षेप में फिजिक्स के नियम इसे असंभव बनाते हैं। आइए अब इसको अनदेखा करें और कल्पना करें कि हम प्रकाश की गति से आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रमा हमारे ग्रह से लगभग 370,000 किलोमीटर दूर है। ये दूरी 30 पृथ्वी के समान है जो एक तरफ रखी गई हो। यदि आप प्रकाश की गति से पृथ्वी से चंद्रमा की यात्रा कर रहे हैं, वहां पहुंचने में बस एक सेकंड से थोड़ा अधिक समय लगेगा। तुलना के लिए, यदि आपने लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति सीमा की स्पीड से चांद पर ड्राइव करते हैं, आपको लगभग 3,700 घंटे लगेंगे, जो 156 दिन या 5 महीने से अधिक है। वीनस हमारे सबसे नजदीकी ग्रह है। एवरेज में वीनस और हमारे ग्रह के बीच की दूरी 40 मिलियन किलोमीटर है। फिर भी प्रकाश की गति से यात्रा करते समय आपको वीनस तक पहुंचने में सिर्फ 2 मिनट की आवश्यकता होगी। अगर वीनस सूरज की दूसरी तरफ होता तो आपको वहां तक पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे। लेकिन अगर आप कार से वीनस की यात्रा करते हैं तो आपको लगभग 400,000 घंटे लगेंगे, जो लगभग 44 साल के बराबर है। पृथ्वी और मंगल के बीच की सबसे छोटी दूरी 56 मिलियन किलोमीटर है। औसत दूरी लगभग 225 मिलियन किलोमीटर है, जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 1000 गुना है। आइए कल्पना करें कि ये आपका भाग्यशाली दिन है और आपको सबसे छोटी दूरी तय करनी है। फिर आपको लाल रंग की मार्शियन रेत पर कदम रखने के लिए 3 मिनट से अधिक की आवश्यकता हो सकती है। मर्क्यूरी और पृथ्वी के बीच औसत दूरी अहमदाबाद और कोलकाता के बीच की दूरी की 20,000 गुना से भी ज्यादा है। प्रकाश की गति से यात्रा करते हुए आपको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में लगभग 4.5 मिनट का समय लगेगा। उतना टाइम में आप 2 मूवी ट्रेलर्स देख सकते हैं। और कार द्वारा आपको एक तरफा यात्रा करने के लिए 740,000 घंटे या 85 वर्ष से अधिक की आवश्यकता होगी। सूरज की यात्रा करने का समय, जो पृथ्वी से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, लेकिन जब आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो ये दूरी इतना विशाल नहीं लगती है। सूर्य की सतह तक पहुंचने में आपको सिर्फ 8 मिनट से कुछ अधिक समय लगेगा। उतना समय में आप एक YouTube वीडियो देख सकते हैं। कार से यात्रा करना एक अलग बात है, जिसमें आपको लगभग 1,00,000 घंटा लग सकता है। ये अंतरिक्ष में 165 साल बनता है। हमने सभी निकटतम साइटों का दौरा कर लिया और अब लंबी यात्राओं के लिए समय है। चलिए पहले जुपिटर से शुरू करते हैं। जुपिटर और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम 587 मिलियन किलोमीटर और सबसे बड़ी 965 मिलियन किलोमीटर से अधिक है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 32 मिनट की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप कार से जाते हैं तो आपको ये दूरी तय करने के लिए कई जीवन काल बिताना पड़ेगा। शनि ग्रह यानी सैटर्न से पृथ्वी से 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है, जो हमारे ग्रह से चंद्रमा की दूरी का 3000 गुना है। और फिर भी यदि आप प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं तो आपके पास अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा, क्योंकि पूरी यात्रा में 1 घंटे से अधिक समय लगेगा। कार से आपको शनि तक पहुंचने के लिए 13 साल लगेंगे, जिसे एक लंबी उड़ान कहा जा सकता है। अब प्रकाश की उस गति को पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं और यूरेनस तक का सफर तय करते हैं। अपने स्पेसशिप को अच्छी तरह से जांच लें, क्योंकि आपको 2.5 बिलियन किलोमीटर की यात्रा करनी होगी। आपकी बिजली की तेज गति की बदौलत यात्रा में 2 घंटे से ज्यादा का समय नहीं लगेगा। कार से आपको यूरेनस तक पहुंचने के लिए लगभग 3000 वर्षों की आवश्यकता होगी।
प्रकाश की गति से चलने की आपकी क्षमता के साथ आप अर्थ क्लाउड की और सौर मंडल के बाहरी इलाके की यात्रा भी कर सकते हैं। अफवाह ये है कि अर्थ क्लाउड के अंदर 1 ट्रिलियन धूमकेतु हो सकता है। उस दूर स्थान तक पहुंचने के लिए 3 साल का समय चाहिए प्रकाश की गति के साथ। उतने समय में आपकी वॉचलिस्ट पर सभी फिल्में देखने के लिए पर्याप्त है। कम से कम 100 किताबें आप पढ़ें या अपनी खुद की किताब लिखें। अब आप अर्थ क्लाउड पर ड्राइविंग करने पर भी विचार न करें। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने में लाखों साल लग जाएंगे। आप सूरज के अलावा पृथ्वी के सबसे नज़दीकी के तारे की सैर भी कर सकते हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमारे ग्रह से 40 ट्रिलियन किलोमीटर से अधिक दूर है। यदि आप ऐसे यात्रा पर जाने का निर्णय लेते हैं तो वहां पहुंचने के लिए 4 साल बिताने के लिए तैयार रहें। प्रॉक्सिमा सेंचुरी की सड़क यात्रा में 44 मिलियन वर्ष लगेंगे। हमारी यात्राएं लंबी और लंबी होती जा रही हैं और अब हमारे घर मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र का दौरा करने वाले हैं। आकाश गंगा यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी वास्तव में बहुत ही बड़ी है। ये डायमीटर में 1 लाख प्रकाश वर्ष और मोटाई में 1000 प्रकाश वर्ष से अधिक है। वैसे प्रकाश वर्ष वो दूरी है जो प्रकाश एक साल में तय करती है, जो है 10 ट्रिलियन किलोमीटर। आकाश गंगा या मिल्की वे 400 बिलियन से भी अधिक सितारों और ग्रहों का घर है। मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में जाने के लिए आपको 25,000 प्रकाश वर्ष की दूरी तय करनी होगी। अगर आप प्रकाश की गति से भी ये दूरी तय करते हो फिर भी आपको 25,000 वर्ष लगेंगे। अब हम आकाश गंगा की नजदीकी गैलेक्सी तक का सफर करते हैं, जो है कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी। वहां तक पहुंचने के लिए अगर आप प्रकाश की गति से भी उड़ान भरते हो तब भी आपको 25 लाख वर्ष लग जाएंगे। वाओ! तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट्स पर जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए हम लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।